दोस्तों, ये साल लॉकडाउन के टाइम पर एक केस बड़ा ही चर्चित हुआ, करण मेहरा निशा रावत। यहां पर करण मेहरा ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी बाइपोलर है, वहीं निशा ने कहा कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसने मेरा सर जो है वो पटक कर दे मारा दीवार पर। और वहीं करण का कहना था कि नहीं भैया, निशा ने खुद से करा है मेरे को सबक सिखाने के लिए। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निशा ने दिया करण को जवाब, और ऐसा जवाब दोस्तों जिसे देखकर आप लोग भी बोलेंगे ओ माय गॉड। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं राहुल बोझ के नाम से, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, कि निशा की टीम जो है वो बातचीत कर रही है बिग बॉस की टीम से, यानी कि एंडमॉल श्राइन और साथ ही साथ वूट की टीम से, और निशा शायद हो सकता है कि वो बिग बॉस में आए, बिग बॉस ओटीटी पे, और आकर अपने सारे राज खोलें कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। अब ऐसे में आप सभी दर्शकों को बता दूं कि वो तो अभी तक नहीं पता, वो तो हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बट आप सभी दर्शकों को निशा की एक फोटो दिखाना चाहता हूं, उसके नीचे का कैप्शन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई तुम्हारी छत्र छाया में मैं बहुत रह चुकी हूं, अब मैं तुमसे अलग होंगी और देखना मैं जो जबरदस्त होंगी सब देखते रह जाएंगे। जी हाँ, निशा ने ये फोटो डाली है, काफी हॉट और सेंसुअस फोटो है दोस्तों। और निशा कमेंट में लिखती है, मतलब कि उसके कैप्शन में लिखती है, स्टेप्ड आउट दैट डोर दैट हैड दोज चेन्स ऑफ इनहिबिशंस क्लॉइंग माय स्किन थ्रू माय बोन्स, डिडंट लीव माय ओल्ड सेल्फ बिहाइंड, जस्ट कैरीड इट ऑन माय न्यूली फाउंड शोल्डर्स हूज स्ट्रेंथ आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, अ मोमेंट टू थैंक माय माइंड बॉडी एंड सोल टू नेवर हैव लेफ्ट माय साइड, आई एम माय ओन बेस्टी फॉर लाइफ कीपिंग द फेथ #निशा राहुल डायरीज। तो निशा ने यहाँ पर दोस्तों साफ कहीं ना कहीं बोल दिया कि मैं बाहर आ गई हूँ सारी चीजों से, उस चेन को तोड़ चुकी हूँ जो कि मेरी स्किन को छली करके मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी, ये कहावतें हैं बेसिकली। और वो कहती हैं कि मैं उन पुराने दरवाजों को भी बंद करके आई हूँ, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर ये सारी स्ट्रेंथ भी हैं। तो निशा ने तो बोल दी है बड़ी बात, आपका क्या है रिएक्शन जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।